नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी प्रवीण भारतीय। और प्रिय साथियों, आज हम लोग आप लोगों को दिखाना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जो स्वच्छता साफ सफाई को लेकर के बड़े बयान हमेशा जारी किए जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि अब तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों प्राधिकरणों की जो मुख्य कार्यपालक के रूप में मौजूद हैं ऋतु माहेश्वरी जी, उन्होंने नोएडा को मेरे हिसाब से पूरे देश में 25वें पायदान पे नोएडा को जो है स्वच्छता के मामले में स्थापित किया है। लेकिन आज ग्रेटर नोएडा की तस्वीर मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ग्रेटर नोएडा की जो तस्वीर है वो बहुत दयनीय है। हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के कासना के पास इकोटेक वन में। इकोटेक वन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा यहाँ डस्टबिन रखे गए थे। आप देख सकते हैं कि डस्टबिन की क्या स्थिति है। डस्टबिन को रखे हुए लगभग जो है 5-6 महीने हो गए हैं। डस्टबिन कूड़े से भरा हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने बड़े क्षेत्र में यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। सड़क के किनारे बदबू का और कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बदबू इतनी है कि लोगों को सांस लेने में भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अभी यहाँ इस कूड़े में जो गाय अपने चारे की तलाश में थी और कई बार चारे की तलाश में जो कूड़े में यहाँ पॉलोथीन पन्नियाँ हैं उन पन्नियों तक मजबूरी में उनको खाना पड़ता है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ओपन यहाँ नाली है। यहाँ इकोटेक वन के ये प्लॉट बने हुए हैं। 6% आबादी का निर्माण यहाँ हुआ है और 6% आबादी का निर्माण की जो यहाँ निर्माण किया गया है, जो 6% है उसकी साफ सफाई की व्यवस्था भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कंधों पर है। लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही इस हद तक पहुँच चुकी है कि वो यहाँ उनके जो कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो बेचारे इतनी ज़रूरत नहीं समझते कि वो धरातल पर आकर के देखें कि 6% जो प्लॉट है, 7% जो प्लॉट में आबादी बनी हुई है उनकी क्या स्थिति है। इस नाली के लिए लगातार यहाँ के लोगों ने जो है कई बार पत्र दिए हैं। इस नाली को पक्का कराने की मांग की जा रही है लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ढीठ अधिकारी पिछले 2 वर्ष से लगातार इस पे पत्र दिए गए हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है अभी सुबह का समय है, जैसे जैसे यहाँ पानी का उपयोग होगा उस तरीके से सड़क पे पानी भर जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पे वहाँ पानी भरा हुआ है और लगातार इस सड़क पे हमेशा पानी भरा रहता है और यहाँ लोगों का जो जीवन है वो दुश्वार हो चुका है। तो मैं ग्रेटर नोएडा की मुख्य कार्यपालक जो यहाँ कार्यवाहक के रूप में ऋतु माहेश्वरी जी कार्यरत हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत जो 7% की आबादी है वहाँ की अधिकतर यही हालात हैं। जो गांव प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं उनके भी यही हालात हैं। कृपया सेक्टरों को छोड़ जो सेक्टरों की व्यवस्था है उसको भी आप बरकरार बनाए रखें लेकिन ग्रेटर नोएडा के गांव और ग्रेटर नोएडा के जो अंतर्गत किसान आबादी आती है उस किसान आबादी में भी साफ सफाई करने का कष्ट करें ताकि जो यहाँ लोग रहते हैं वो जानवर नहीं हैं, वो भी इस शहर के बाशिंदे हैं। और उन लोगों ने भी जब यहाँ प्लॉट खरीदा तो एक एक पाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दी ताकि उनके लिए बेहतर सुविधाएं स्थापित हो सकें, उनके लिए साफ सफाई स्थापित हो सकें। एक साथी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवीर सिंह है। भाई मनवीर जी, आपने कितनी बार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी है इस नाली के निर्माण के लिए? मैंने कम से कम जी 8 से 10 बार लिख दी चिट्ठी जी और 2 साल हो गई हमें चिट्ठी को दी जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब आप अधिकारियों के पास जाते हैं तो क्या आश्वासन देते हैं वो? अरे हो जाएगा, होता है नहीं। और ये जो अभी मलवा आपने देखा, ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इस कूड़े को लेकर के आए दिन आप लोग जो है मांग करते हैं, इसके लिए क्या कहते हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी? क्या कहते हैं जी, ये इकोटेक का मामला है जी, वो कहता है कासने का मामला है। अच्छा, मतलब कासना और जिस तरीके से कई बार थानों की पुलिस फंस जाती है उस तरीके से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के
घमासान मचाए हुए हैं। कोई कहता है कि ये कासना के अंतर्गत आता है, कोई कहता है इकोटेक के अंतर्गत आता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये क्षेत्र ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। इसकी साफ सफाई होनी अति आवश्यक है। इस साफ सफाई को लेकर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी तत्काल कार्यवाही करें, अन्यथा करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता आपके दफ्तर पे आकर के हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे और आपको ये एहसास कराने का काम करेंगे कि ये जिम्मेदारी आपकी है। लाखों करोड़ों रुपए का जो प्रत्येक वर्ष टेंडर छूटता है साफ सफाई को लेकर के, उस साफ सफाई के नाम पे जो लूट हो रही है उस लूट को बंद करो और यहाँ साफ सफाई की व्यवस्थाएं स्थापित करें। ये चेतावनी आप हमारी सुन लीजिएगा, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे।